एएडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिन्होंने चुनाव से पहले लगातार, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सरकार हो, हर किसी को ईवीएम को लेकर के चेताने की कोशिश करी कि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो चुनाव में धांधली होगी। इसके अलावा चुनावी डेटा को लेकर के भी सवाल लगातार एडीआर ने उठाया कि चुनाव में बड़ी गड़बड़ी हो रही है। हमने भी आप तक लगातार ये खबर पहुंचाया और सवाल भी देशनीति ने उठाया कि क्या ये चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो भी रहा है, जिसका जवाब आज हमारे हाथ में है। जवाब है कि नहीं। एडीआर ने एक विस्फोटक खुलासा किया जो पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है कि क्या वाकई 5 करोड़ वोटों की डकैती हुई है, क्या सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों ने ईवीएम में डाले गए वोट और वीवीपैट से निकली पर्चियों के बीच मिलान कराने के खिलाफ फैसला सुनाया था, क्या वो आज जिम्मेदारी लेंगे, क्या चुनाव आयोग, जिन्होंने निष्पक्ष चुनाव होने का दावा ठोका था, जिस राजीव कुमार ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते रहे कि नहीं, देश में चुनाव जो है निष्पक्ष तरीके से हो रहा है या हुआ है, इसके खिलाफ सवाल उठाने वाले जो है वो देशद्रोही है, क्या वो आज इस पूरी जो खबर, जो रिपोर्ट मैं आपको बताने जा रही हूं, उसकी जिम्मेदारी वो लेंगे। बीजेपी को चुनावी नतीजों में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जिताया गया, क्या आज उनको इस रिपोर्ट के बिहाफ में जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए, जो रिपोर्ट में आगे आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लोकतंत्र के नाम पर यह चुनाव एक बड़ा धब्बा था। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लेकिन पहले आपसे अपील करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अब ये साबित हो चुका है कि लोकसभा चुनाव के 362 सीटों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इन पर जो भी जीते या जो भी हारे वो सवालों के घेरे में है। बीजेपी की जीत या भारतीय जनता पार्टी, जो एनडीए के जरिए सरकार बनाई है, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने हैं, वो उस पर भी एक बड़ा सवाल है। और जो मैंने आपसे कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव लोकतंत्र पर एक बड़ा धब्बा है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के यह दावा किया कि 538 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए मतों और गिने गए मतों की संख्या में अंतर है। एडीआर के विश्लेषण के अनुसार हाल के लोकसभा चुनावों में 362 संसदीय क्षेत्र में पड़े कुल वोटों से 5,54,598 वोट कम गिने गए। वहीं 176 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां पड़े कुल वोटों से 35,000 वोट अधिक गिने गए। इस मामले में चुनाव आयोग की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, भले ही चुनाव आयोग कह भी दे कि नहीं, ऐसा जो भी आरोप हम पर लगाया गया या चुनाव को लेकर जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो गलत है। लेकिन सोचने वाली बात है, एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये जो एक बड़ा संस्थान है, इन्होंने जिस तरह से ये खुलासा किया कि 362 सीटों पर बड़ी धांधली हुई है। एडीआर के संस्थापक जगदीप छोकर ने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फाइनल पोलिंग डेटा रिलीज करने में अत्यधिक देरी, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र और मतदान केंद्र पर हुई वोटिंग के आंकड़े उपलब्ध नहीं होना, और क्या चुनाव परिणाम अंतिम मिलान किए गए डेटा के आधार पर घोषित किए गए थे, इसकी अस्पष्टता चुनाव परिणामों की प्रामाणिकता के बारे में चिंता और संदेह पैदा करते हैं। हालांकि एडीआर ने यह नहीं बताया कि वोटों के इस अंतर से कितनी सीटों पर अलग नतीजे आए। लोकसभा चुनाव 2024 में 538 सीटों पर पड़े कुल वोटों और गिने गए वोटों की संख्या में अंतर देखा गया। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक, यानी एडीआर के मुताबिक, 362 सीटों पर कुल वोट और गिने गए वोटों में करीब करीब 5,54,598, यानी 5 लाख, आप कह सकते हैं कि 56,000 वोटों का अंतर है, यानी इन सीटों पर इतने वोट कम गिने गए। वहीं 176 सीटों पर कुल पड़े वोटों से 35,000 वोट ज्यादा गिने गए। रिपोर्ट के मुताबिक अमरेली, अटिंगल, लक्षद्वीप,
दादरा नगर हवेली दमन दीव छोड़कर 538 सीटों पर डाले गए कुल वोटों और गिने गए वोटों में विसंगति है, यानी मिसमैच्ड है ये। इन 538 सीटों पर ये अंतर 590,000 वोटों का है। सूरत सीट पर मतदान नहीं हुआ था, एडीआर के संस्थापक ने इतना साफ कर दिया कि इससे संदेह पैदा हो रहा है। दोस्तों सवाल यह भी था कि क्या नतीजे अंतिम मिलान आंकड़ों के आधार पर घोषित किए गए थे या नहीं। चुनाव आयोग की ओर से इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए, यानी चुनाव आयोग को अब फिर एक बार एडीआर के इन तमाम सवालों का जवाब जो है देना होगा। अगर जवाब नहीं आए तो चुनाव नतीजों को लेकर के चिंता और संदेह पैदा होगा। एडीआर ने यह भी स्पष्ट किया है कि हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का भी फिर एक बार दरवाजा खटखटाए। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है कि एडीआर ने किस तरह से, विपक्ष ने किस तरह से लगातार ईवीएम को मुद्दे को लेकर के, ईवीएम का जो मुद्दा है उसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहां तक कि यह भी पिटीशन दाखिल की गई थी कि ईवीएम में डाले गए वोट और वीवीपैट से निकली पर्चियों के बीच 100% की अगर मिलान हो जाती है तो भी हम ये अश्योर हो जाएंगे कि हम जिन्हें वोट डाले, जितने वोट डाले गए और पर्ची जितनी निकली है वो अगर इक्वल है तो कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से हुआ है, ये माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों ने, जिस पीठ ने इस पूरे याचिका को खारिज कर दिया था ये कहते हुए कि इसमें कोई धांधली संभव नहीं है या 100% की मिलान की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें सोचने और समझने की ज़रूरत है कि उनके एक फैसले से इतना साबित वो कर सकते थे, इतना वो अश्योर कर सकते थे कि इस बार का लोकसभा चुनाव जो है वो लोकतंत्र पर बड़ा धब्बा नहीं है। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में सरकार है, चुनाव आयोग है, मुख्य चुनाव आयुक्त है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी शामिल हैं, क्योंकि विपक्ष ने लगातार ये सवाल उठाने के बावजूद, संदेह पैदा करने के बावजूद भी उसे खत्म करने या आप कह सकते हैं कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। खैर नरेंद्र मोदी फिर एक बार तीसरी बार के लिए प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन क्या इन 362 सीटों पर अगर सही तरीके से नतीजे सामने आते तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ही मुख्य प्रधानमंत्री बनते, क्या बीजेपी की सरकार बनती, ये सोचने वाली बात है। क्या 240 से बीजेपी सीधा 140 पर पहुंच जाती और शायद आज इंडिया गठबंधन की गठजोड़ की सरकार होती। सवाल तो तमाम तरह के हैं जो लगातार देशनीति उठाता रहा, लेकिन एडीआर ने अपने इस रिपोर्ट में साफ कर दिया कि 362 सीटों के साथ करीब करीब आप कह सकते हैं कि 6,00,000 वोटों का अंतर जो है, कहीं पर वोट ज़्यादा पड़े तो कम गिने गए, कहीं कम पड़े तो ज्यादा गिने गए। आखिर किस तरह से चुनावी प्रक्रिया को कंडक्ट किया गया है वो अब सवालों के घेरे में है। तो दोस्तों इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देखते हैं, हमें मालूम है कि इस तरह की खबरें हमने पहले भी चलाई है, लेकिन इस रिपोर्ट ने इतना साबित कर दिया कि देशनीति ने जितने भी खबर चलाए पहले वो सारा का सारा खबर जो है, सारी खबरें जो है वो कहीं ना कहीं सच है। आप इस विषय पर सोच क्या रखते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर करें। अगर रिपोर्ट पसंद आई होगी तो रिपोर्ट को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।